आज पिटारी से निकले ये जगन्नाथ जी के सुंदर से इयररिंग्स, जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है। जगन्नाथ जी से याद आया एक किस्सा। एक बार माता यशोदा और देवकी सुभद्रा के साथ वृंदावन से द्वारका आई। सभी रानियों ने निवेदन किया कि श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाएं। माता तैयार हो गई, पर श्री कृष्ण और बलराम ना सुन लें इसलिए सुभद्रा को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। लीलाएं सुनकर सब इतने मग्न हो गए कि कुछ सुध-बुध भी नहीं रही और पता ही ना चला कब श्री कृष्ण और बलराम जी भी वहाँ आ गए। वे भी अपनी शैतानियों को सुनकर इतने मग्न हो गए कि उनके बाल खड़े हो गए और आंखें बड़ी हो गई। तभी नारद मुनि वहाँ आए तो सब सम्मोहन से बाहर आए। नारद जी ने कहा, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे रूप में आप कब अवतार लेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में। और वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न को प्रेरणा दी कि पेड़ के तने से विग्रह बनाएं। एक बूढ़ा ब्राह्मण विग्रह बनाने आया, पर शर्त रखी कोई भी कमरे को नहीं खोलेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। कुछ दिन तो काम की आवाज़ आई, पर जब आवाज़ आनी बंद हो गई तब राजा ने सोचा कहीं बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए उसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर मिला उसे अधूरा विग्रह और ब्राह्मण गायब था। तब राजा को एहसास हुआ कि वो स्वयं विश्वकर्मा थे, इसलिए आज भी मंदिर में अधूरी मूर्त है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ, क्योंकि पिटारा खुलता है, किस्सा निकलता है।